गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। माय नेम इज़ दीपाली एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू 8th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 9 एंड द डेट ऑफ दिस वर्कशीट इज 21 अक्टूबर 2020। सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट में यहाँ अपना नाम और यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों देखो, रीड द लेसन सुनामी। हमने सुनामी चैप्टर के ऊपर पहले भी 3-4 वर्कशीट पे काम कर चुके हैं। आपको 3-4 स्टोरी सुनामी के बारे में पहले बता जा चुकी हैं। किस तरह से संजीव की एक स्टोरी बताई थी, मेघना की एक स्टोरी, टिली स्मिथ की, आपको सब याद होंगी बच्चों। और अगर आप मेरी पहली वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट पे जाकर आप सारी जो है 8th क्लास की वर्कशीट जो है देख सकते हैं। देखो पेज नंबर 25 से लेकर 30 तक जो है हनीड्यू का, आपकी हनीड्यू टेस्ट बुक है, इसमें पेज नंबर 25 से लेकर 30 तक इसको दोबारा से रिपीट किया गया है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड फिल द ग्रिड। आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं और क्या करना है, जो ये ग्रिड दी हुई है इन पर आपको जो जो आपसे पूछा गया है वो उन क्वेश्चंस उनमें आपको फिलअप करना है। देखो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 पीपल एज गिवन इन द लेसन सुनामी। आपने बच्चों सुनामी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसमें से आपको 5 लोगों के नाम ऐसे छांट कर लिखने हैं जो आपको याद हैं। देखो मैंने काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करने की कोशिश की है। देखिए हमने लिखा है इग्निशियस के बारे में, हमने लिखा है संजीव के बारे में, मेघना के बारे में, टिली स्मिथ और अल्माज जावेद के बारे में। सबके ही बारे में हमने स्टोरी जो है सुनामी में अच्छे से पढ़ी है, तो इनमें ये नाम आपको याद रखने हैं कि सुनामी चैप्टर में ये कैरेक्टर आए हैं, इनकी स्पेलिंग याद रखनी है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देखो बच्चों सेकंड जो पिक्चर हमें दी हुई है उसमें हमसे पूछा गया है कि राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 प्लेसेस एज गिवन इन द लेसन सुनामी। हमें इनमें से सुनामी चैप्टर में जिन 4 स्थान, प्लेस का मतलब होता है स्थानों का जिक्र हुआ है, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। बच्चों यहाँ पर इतना स्पेस नहीं था तो मैंने इसलिए नीचे आपकी हेल्प के लिए लिखे हैं। चलिए देखते हैं, अंडमान निकोबार की बात कही गई है, थाईलैंड की एक स्टोरी भी थी, ननकावरी आइलैंड की भी एक स्टोरी थी और श्रीलंका के बारे में भी बताया गया था। श्रीलंका के जो बीच थे, याला नेशनल पार्क, जो हमने पिछली ही वर्कशीट में पढ़ा था, अभी हमें रिसेंटली याद भी है, इन चारों जगह का जो है जिक्र सुनामी चैप्टर में किया गया है। थर्ड को देख लेते हैं, पहचान लेते हैं क्या पूछा गया है हमसे, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 एनिमल्स एज गिवन इन द लेसन सुनामी। देखो बच्चों कितने सारे एनिमल्स हैं, एलिफेंट है, ये सब चीज़ें हैं, है ना, जेब्रा भी है, लायन है और हिपोपोटामस है, जेब्रा है, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा सुनामी चैप्टर में किस किस चीज़ों का जिक्र किया है, किन एनिमल्स का जिक्र किया है। देखो सबसे पहले तो हमने एलिफेंट का ही जिक्र किया था, डॉग का भी किया था, वाटर बफेलो, इनके बिहेवियर के बारे में किया था ना कि जब सुनामी आने वाली होती है तो इनका बिहेवियर सडनली अपने 6th सेंस के द्वारा किस तरह से चेंज हो जाता है। फ्लेमिंगो का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, डॉग भी जाने के लिए मना कर लेता है, श्रीलंका का जो एक रहने वाला होता है वो जो डॉग को डेली आउटसाइड पर लेके जाता था लेकिन वो उस दिन जाने के लिए मना कर देता है। देखो बच्चों सारी स्टोरी हमारी क्या हो रही है, रिकॉल होने लग रही है। गोट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि गोट का बिहेवियर अचानक चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हमने 5 एनिमल्स लिख लिए हैं, एलिफेंट्स, डॉग, वाटर बफेलो, फ्लेमिंगो एंड गोट। अगर बच्चों आपने पूरी स्टोरी अच्छे से पढ़ी है, कोई और एनिमल आपको अच्छे से याद आ रहा है तो यू कैन राइट ऑल्सो, तो आप वो भी लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 थिंग्स गिवन इन द लेसन सुनामी। देखो बच्चों संजीव वाली स्टोरी से ही मैं आपको बता देती हूँ कि जब संजीव जो था अपनी फैमिली के साथ जब क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जाती है टिली स्मिथ, तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ों की जिक्र हमसे किया गया था। संजीव वाली स्टोरी में हमारा टेलीविज़न भी आया था, है ना, वो अपने टेलीविज़न को उठाकर वहाँ से वहाँ पर रख देता है। तो इस तरह से जो भी आपने चैप्टर में जो जो चीज़ें आपको याद आ रही हैं कि हमने इस चीज़ों का जिक्र किया है, आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट। देखिए
टेलीविज़न था, क्लोक था, टेबल और लॉग, लॉग मतलब लकड़ी का गट्ठा जिस पर मेघना जो थी तैरित के उसने अपने आप को सेव कर लिया था। देख लेते हैं आगे क्या पूछा गया है हमसे। राइट एनी थ्री वर्ड्स फ्रेजेस रिलेटेड टू वाटर एज गिवन इन द लेसन सुनामी। हमें थ्री वर्ड्स लिखने हैं, फ्रेजेस लिखनी है जो वाटर से रिलेटेड हैं, जैसे कि वेव्स होता है, सी कोस्ट है, शोर है। तो इस तरह से मैंने तीन लिखे हैं, वेव्स लिख दिया, लहरें, सी कोस्ट लिख दिया समुद्र का तट, और शोर मतलब किनारा। इस तरह से बच्चों मैंने तीन चीज़ें लिख दी हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हो एज यू लाइक अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। देखो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड आउट एंड राइट एनी एट वर्ब्स इन पास्ट टेंस एज गिवन इन द लेसन। देखो पास्ट टेंस में बच्चों हम क्या यूज़ करते हैं, ईडी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्ड्स में ईडी ही आएगा। हमें याद रखना है कि हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं हम। जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो पास्ट टेंस में हम लोग सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। मोस्टली वर्ड में ईडी आ जाता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसमें ईडी नहीं आता, कुछ उनका लुक ही चेंज हो जाता है। देखो मैंने लिखी है कुछ वर्ब्स, आपकी एट पूछी है इन्होंने हम लोगों से वर्कशीट में, क्लाइंब्ड, क्लाइंब, ठीक है, ये ईडी वाली फॉर्म आ गई। वैसे हमारी फर्स्ट फॉर्म जो होती है इसकी क्लाइंब होती है। सेकंड मैंने लिखी है पास्ट टेंस में केम, फर्स्ट फॉर्म इसकी हमारी होती है कम। सेकंड फॉर्म लिखी है लिव्ड, लेकिन अगर हम फर्स्ट फॉर्म लिखें तो लीव होती है, टुक, टुक का होता है टेक, रस्ड, रश, स्टॉप्ड, स्टॉप, एट, ईट, वॉकड, वॉक। ये बच्चों सारी जो हैं ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, ये जो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पास्ट टेंस की फॉर्म लिखनी थी जो कि हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमारी ये आएंगी। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इनकी फ़र्स्ट फॉर्म भी लिख दी है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग मेरी हेल्प से इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में कर लोगे, और अगर आपको वर्कशीट अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, अच्छे अच्छे कमेंट डालोगे, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन हिट करोगे, ताकि आपको आने वाली वीडियो जो हैं वो समय से पहले ही मिल जाए। क्योंकि बच्चों मैं अपनी वीडियो जो है एक दो दिन पहले डाल देती हूँ, तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने सबके आंसर आपकी सुविधा के लिए कलर से भी लिख दिए हैं आपको, ताकि पहचान हो जाए कि ये सारे जो हैं इस कॉलम में आएंगे, ये सारे हमारे प्लेसेस हैं, ये नेम आ जाएंगे पर्सन के, ये एनिमल्स के नेम आ जाएंगे, ये हमारी थिंग्स आ जाएंगी, ये हमारे वाटर से रिलेटेड आ जाएंगी, और ये हमारी पास्ट फॉर्म से रिलेटेड वर्ब आ जाएंगी। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लोगे। थैंक यू।